नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। इस वक्त देश का दिल यानी दिल्ली भयंकर रूप से प्रदूषण की चपेट में है। यहां धुंध इस कदर हावी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चारों ओर कोहरे सा माहौल है। ये हाल केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि इससे सटे शहरों का भी है। पूरे NCR पर सोमवार को स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं वजीरपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 919, आनंद विहार में 924, नोएडा सेक्टर 62 में 751, वसुंधरा में 696 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की स्थिति पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा जबरदस्त है। कुछ लोग दिल्ली के हालात पर दुखी हैं, तो कुछ लोग तंज कसने से भी बाज नहीं आ रहे। कमेंट करने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार ऋषि कपूर का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने बेहद ही तंज भरे अंदाज में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण का मजाक उड़ाया है। ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इमेज पोस्ट की है, जिस पर लिखा है, अगर घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ गई है और आंखें नम है, तो या तो प्यार में है या फिर दिल्ली में है। इस विचार के साथ सहमति जताते हुए ऋषि कपूर ने लिखा, ये सच है। हालांकि ऋषि कपूर की ये बात लोगों को रास नहीं आई है और उन्होंने एक्टर को सलाह दी डाली। लोगों ने लिखा कि सर, आप मुंबई में हैं, दिल्ली वासियों का दर्द समझने की कोशिश करें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज कम से कम मजाक ना उड़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।